हेलो दोस्तों, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम के बाद अभी हम स्प्रिंग मास सिस्टम में आए हैं और इसके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक पीछे हम देखते हैं तो हमने इस क्वेश्चन को होमवर्क पे दिया था, जहाँ पे हमने देखा कि ये और ये सिस्टम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हमें मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछा था और ये सिस्टम हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में के प्लस के 2K हो जाएगा के इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में के और के सीरीज में हो जाएंगे तो 1/k + 1/k विच इज़ नथिंग बट k/2। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका टाइम पीरियड बड़ा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टाइम पीरियड ज़्यादा होगा कंपेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब कभी एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, 10 स्प्रिंग ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होंगे तो उसका के इक्वेलेंट लेना, k/10 शॉर्टकट है ये। कब करोगे ये? जब सभी स्प्रिंग का इक्वेलेंट, सभी स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k रहेगा तब। अगर K1 K2 होगा तो कन्वेंशनल तरीके से हमें इसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक होमवर्क में दिया था मैंने क्वेश्चन और बाकी बातें हमने कल के लेक्चर में की थी रिगार्डिंग टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। उसी का एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, दैट इज अ लॉन्ग, नॉट लॉन्ग, अ 100 ग्राम मास स्ट्रेचेस अ पर्टिकुलर स्प्रिंग बाय 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम इट। फिर पूछा है हाउ लॉन्ग अ मास मस्ट बी अटैच टू द स्प्रिंग इफ द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन टू बी 6.28 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, राइट। क्या किया यहाँ पे, ये स्प्रिंग थी, उसके नीचे हमने पहले एक मास लगा दिया, कितना, 100 ग्राम का मास लगा दिया। ठीक है, तो ओरिजिनल पोजिशन से डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और कितना डिस्प्लेस हो रहा है ओरिजिनल पोजीशन से, 9.8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर इससे मैं डिस्प्लेस कर देता हूँ यहाँ से तो ये यहाँ पे ऑसिलेट करेगा और इसका कुछ टाइम पीरियड आएगा, राइट। वो टाइम पीरियड नहीं पूछा है, ठीक है। इसके नीचे और एक वजन कितना डालोगे ताकि टाइम पीरियड 6.28 सेकेंड हो जाए, हमें टाइम पीरियड 6.28 सेकेंड फाइंड आउट करना। इसका कुछ टाइम पीरियड आएगा ना, जब 100 ग्राम का मास हम इसको लगा देंगे, उसको इनिशियल डिस्प्लेस कर देंगे, उसका कुछ टाइम पीरियड आएगा, वो नहीं पूछा है हमें। हमें टाइम पीरियड इतना चाहिए तो और कितना मास कंप्लीट लगेगा इसके ऊपर ताकि टाइम पीरियड 6.28 सेकेंड हो जाए। ठीक है, फाइन। तो हमने क्या किया, जो गिवन सिचुएशन थी, जब 100 ग्राम लगा दिया तो इक्विलिब्रियम पोजिशन फाइंड आउट की हमने, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आई। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इसकी मीन पोजीशन मिली, जहाँ पे फोर्सेस बैलेंस है, नीचे एम जी ऊपर के एक्स बराबर कर दिया। वहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, के की वैल्यू आ गई। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के की वैल्यू तो उस कॉन्स्टेंट रहेगी, मास कितना भी चेंज करो के की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, अब इस 100 ग्राम को हटा दिया, इस 100 ग्राम को मास को हमने हटा दिया क्योंकि उसका काम हो गया, उसने के की वैल्यू दे दी हमें। अभी हमें टाइम पीरियड इतना करना है तो कितना मास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना मास हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये स्प्रिंग और नीचे ये मास m कितना होगा ताकि, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें 10 न्यूटन पर मीटर मिल गया है ताकि टाइम पीरियड इसका 6.28 सेकेंड हो जाए। ये सिचुएशन के लिए अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 2π√m/k लिखा, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 6.28, 2π√m, m तो वो फाइंड आउट करना है, अभी हमारा नया टाइम पीरियड होगा फॉर t इज इक्वल्स टू 6.28, उसके लिए कितना मास लगेगा। ठीक है, और ये स्प्रिंग मास सिस्टम है और तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम होता तो ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। k की वैल्यू पुट कर दी, m यहाँ से निकल के आ जाएगा 6.28, और ये 6.28 कहाँ से आया, 2 × 3.14, ये 6.28 होता है, तो ये दोनों कट हो गए। इसको यहाँ सॉल्व किया 1² ताकि अंडर रूट हट जाए, m/10 आ गया, 10 इधर मल्टीप्लाई किया, दैट इज 10 kg। SI यूनिट में सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो आंसर भी kg में ही आएगा, तो इसको ग्राम में पूछा था, ऑप्शन ग्राम्स में दिए थे, तो 10 × 10⁻³, दैट इज 10⁴ ग्राम्स आंसर आया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को डील किया है बच्चों। ठीक है, तो वी आर स्टडिंग द मोर केसेस अबाउट स्प्रिंग मास सिस्टम, शॉर्टकट इस प्रकार के क्वेश्चन करने का शॉर्टकट, या इस प्रकार के और दूसरे टाइप्स आते हैं तो उसका भी शॉर्टकट है ये। ठीक है, जब इसको हम डिस्प्लेस करेंगे m मास को, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है। ठीक है, तो जो
ज़रूरी पैरामीटर से कलर चेंज कर देते हैं, वाइट कलर ले लेते हैं। दिस इज़ एम, दिस इज़ के, सॉरी दिस इज़ मास एम। डिस्प्लेस करोगे इसे तो ये सिस्टम ऑसिलेट करने लगेगी, दिस सिस्टम विल ऑसिलेट। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज़ टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो इस सिचुएशन के लिए हम के इफेक्टिव लिखेंगे, के की वैल्यू इफेक्टिवली यहाँ पे कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, 1 अपॉन के इफेक्टिव इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के आई। ठीक है, बड़ा सिंपल है, लेट मी एक्सप्लेन। और ये आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। ठीक है, वॉट इज़ दिस पी, पहले हम जानकारी ले लेते हैं फिर हम बात करते हैं। वॉट इज़ दिस पी, पी मतलब ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन जो निकालना पड़ेगा एफ बी डी से। ठीक है, और के क्या होगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, आई क्या लिखा है, अगर यहाँ पे 2 स्प्रिंग होती तो हम इस फॉर्मूला को 2 बार लिखते। ठीक है, 3 स्प्रिंग होती तो इस फॉर्मूला को हम P1 square by K1 प्लस P2 square by K2 प्लस P3 square by K3। तो ये समेशन का मतलब वही होता है कि कितने पैरामीटर्स तुम्हारे अंदर हैं। अभी ये हमारे सिस्टम के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही है, राइट, तो एक ही बार हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन निकालना है, ये बस ये समझना है। ये समझ गए तो क्वेश्चन बहुत हलवा हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन हमें फाइंड आउट करना, तो FBD में हमने देखा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस M ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है वो बता दो, उसको T कह दो। ठीक है, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो मुझे बताना टेंशन कहाँ लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर। ये स्ट्रिंग है, इस ब्लॉक की अगर FBD निकालोगे तो इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा या नीचे? ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ, पुली के ऊपर बैठता हूँ, तो पुली के ऊपर टेंशन कहाँ लगेगा, नीचे। मतलब हमें एक चीज़ पता है, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन लगता है। अगर मैं ब्लॉक हूँ तो मेरे ऊपर टेंशन ऊपर, अगर मैं ये पुली हूँ तो मेरे ऊपर टेंशन नीचे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन यहाँ पे सेम लगेगा, दैट इज टी। ठीक है, एक वन स्ट्रिंग वन टेंशन, हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से आने वाले लोग हैं, हमें पता ही है, होना भी चाहिए अभी, ऑल राइट। और नेट फोर्स ऑन दिस पुली इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द पुली क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स ऑन दिस पुली जीरो होता है, मतलब यहाँ पे मैंने इस पुली के ऊपर इधर से टी दिखाया, इधर से टी दिखाया, और मैंने कहा कि नेट फोर्स पुली के ऊपर जीरो होता है, तो ऊपर की दिशा में कितना टेंशन होना चाहिए पुली के ऊपर, इसलिए मैं ऊपर लिखूंगा अभी यहाँ पे 2t। ठीक है, मतलब ऊपर 2t टेंशन और इसके पास स्प्रिंग है के, नीचे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, वो समझ लेना, वहाँ का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे भी समझ बढ़ेगी। ठीक है, नेट टेंशन ऑन द पुली इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, ये पहली बात याद रखेंगे, साइड में लिखा है। ठीक है, दूसरी बात, तो हम यहाँ पे पुली दिखा देते हैं, अगर यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो ऊपर के दिशा में कितना होना चाहिए, 2t। या अगर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कहीं सिचुएशन में यहाँ पे टी बाई टू टेंशन है, यहाँ पे टी बाई टू टेंशन है, तो ऊपर कितना लिखेंगे, हम टी लिखेंगे, बराबर। यहाँ पे ऊपर कितना आएगा, ऐसा लिखोगे तो ऊपर टी आएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या थी, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। हमने कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन फाइंड आउट किया। कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने कहाँ से शुरुआत की, मास को, एम को देखा हमने। ठीक है, एम को देखा, एम के ऊपर जो स्ट्रिंग है, गिव टेंशन टी टू द ब्लॉक
पॉसिबिलिटी ये भी है कि सर आप इसको टी बाई टू लिख दो, इसको टी बाई टू लिख दो, ऊपर टी लिख दो, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना हम। लेकिन हमने वो क्लियर कर दिया कि ब्लॉक के ऊपर जो स्ट्रिंग होगी उसको टेंशन टी कहा जाएगा, फिर बाद का देखा जाएगा। इसको अगर टी कहा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हम नहीं करेंगे क्योंकि ब्लॉक के ऊपर जो स्ट्रिंग है उसको टेंशन टी ही देना है, टी बाई टू नहीं देना है, बोल दिया हमने, बोल दिया, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे के इफेक्टिव की वैल्यू पुट करनी थी, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उस फॉर्मूला को मैंने लिखा, समेशन मतलब कितनी बार ऐड करना है, ठीक है। हम तो एक ही बार ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग का कोएफिशिएंट क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, टेंशन, 2t जुड़ा हुआ है। तो उस 2t का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे k बाय 2 लिखा है, 3 k बाय 2 लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है k, मैंने लिखा फिर यहाँ पे k, तो 1 बाय k इफेक्टिव मुझे मिला, दैट इज 4 बाय k, कितना मिला मुझे 4 बाय k। तो k इफेक्टिव क्या होगा, k बाय 4, बराबर, ठीक है। तो मुझे k इफेक्टिव मिल गया, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इज 1, देन यू विल सी हियर 2। सो t इज इक्वल्स टू हमें मिला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के बाय 4, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 एम बाय के, बाद में उसे रूट के बाहर लेके आएंगे, वो तुम लोग तो कर सकते हो, ठीक है। ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये 4 पाई अंडर रूट एम बाय के हो जाएगा। फिर से एक बार बड़ी सिंपल स्टेप है, एफ बी डी निकालनी है, जहाँ पे एम ब्लॉक दिखेगा उसको टेंशन टी देना है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी आएगा, और नेट टेंशन ऑन द पुली 0 होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कितना टेंशन क्रिएट करेगी, वो 2t। तो हमें इस के स्प्रिंग के नीचे जो टेंशन है वो मिला 2t। फॉर्मूला कहता है कि ये वाला फॉर्मूला पी आई स्क्वायर, मतलब ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के पास जो टेंशन है उस टेंशन का कोएफिशिएंट देखो, हमें मिला 2, तो उसका स्क्वायर कर देना है, तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है वो के, वो लिख दिया, तो मुझे के इफेक्टिव मिल गया, मैंने यहाँ पे पुट किया, मुझे आंसर मिल गया। और एक केस करते हैं, केस 2, कहा गया वो कलर, काफी प्यारा कलर है ये, केस 2 डायग्राम के लिए बढ़िया कलर, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है। पुली है, यहाँ से एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे है स्प्रिंग, नीचे लगा हुआ है मास m, ठीक है, दिस इज के, दिस इज एम। ये केस में देखेंगे सबसे पहले स्टेप क्या होगी, सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप 1, गिव टेंशन टी टू द ब्लॉक, ब्लॉक को टेंशन टी देंगे, दे दो, कहाँ दोगे, ऊपर नीचे, ऊपर, ठीक है, ओके। अगर इसको देखेंगे, ये हम पुली को देखेंगे तो उसको भी टेंशन कहाँ लगेगा, नीचे, ठीक। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, ब्लॉक के ऊपर बैठ के देखोगे तो टेंशन ऊपर, इस पुली के ऊपर बैठ के देखोगे तो टेंशन नीचे, ठीक है। अभी नेट फोर्स ऑन, नेट टेंशन ऑन, नेट टेंशन ऑन पुली इज ZRO। तो अगर ये पुली है, नीचे टेंशन टी है और ऊपर दो ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो कोई मुझे बताए कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 2t लिखूँ या क्या लिखूँ, t by 2 ही क्यों लिखेंगे, तभी इनकी एडिशन करके वो t के बराबर हो जाएगी और नेट टेंशन ऑन द पुली विल बी 0, बराबर। तो यहाँ से हमें मिला ऊपर टेंशन टी बाई टू, यहाँ पे भी टेंशन टी बाई टू, ठीक है। थर्ड स्टेप में आए, थर्ड स्टेप में हमने 1/k इफेक्टिव का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n, दैट इज पी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के आई। कितनी स्प्रिंग है यहाँ पे, एक ही स्प्रिंग है ना, तो यहाँ पे पी आई मतलब
क्या होता है ये, पी आई क्या होता है, कितना आएगा यहाँ पे पी आई? पी आई सोचो क्या है। वन पीछे वाला आएगा क्वेश्चन देखो, सर, पीछे वाला क्वेश्चन देखो एक बार, वन। यहाँ पे, यहाँ पे देखो पी आई क्या आया था यहाँ पे। यहाँ पे मैंने टू लिखा था, अभी बोलो यहाँ पे क्या आएगा। वन आएगा, वन, 1/2 आएगा। 1/2 आएगा बेटा, 1/2 का स्क्वायर है ये। T/2 है ना, T/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 × T, T/2 मतलब T का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2 डिवाइडेड बाय वो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, क्या लिखा यहाँ पे? K, 5K लिखा होता तो मैं नीचे 5K लिखता, लेकिन यहाँ पे K ही लिखा है तो मैं यहाँ पे नीचे K लिखूँगा। तो 1/K इफेक्टिव मेरा आ गया 1/4K। तो के इफेक्टिव की वैल्यू मुझे मिली यहाँ से 4K, रेसिप्रोकल कर दोगे तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू होता है 2π√ of m/k इफेक्टिव। तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट, सो टी इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा टी इज इक्वल्स टू 2π√ of m/4k। ये हमारा आंसर रहेगा। सेकेंड सिचुएशन डील कर लिया, ये ज़रूरी स्टेप थी। नेट टेंशन ऑन द पुली ज़ीरो करना आना चाहिए। पहली स्टेप बताती है कि जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ पे टेंशन टी दे दो और बाकी का बाद में देख लो। तो यहाँ पे अगर टेंशन टी है तो बाद का हमें देखना पड़ा कि इसको T/2 T/2 करना पड़ा। लास्ट सिचुएशन में क्या किया हमने, इसको टी दिया तो ये सिचुएशन में ये वाला टी आ गया तो इसको 2T देना पड़ा। ठीक है, कोई चीज़ रटनी नहीं, हमें समझ नहीं है वहाँ पर। थर्ड सिचुएशन अभी तुम लोग करोगे मेरे लिए। थर्ड सिचुएशन सर, बोलते जाओ, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर अगर फिर मास के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो अगर चेंज हो गया तो वैल्यू चेंजेस चेंज हो जाएगी? वो चेंज हो गया फिर भी उसको टी लेना है ना, वो चेंज क्यों होगा, उसकी वैल्यू हम टी लेंगे और जो नंबर आएगा वो उसे पुट कर देना है। सर अगर उन्होंने टी के टर्म्स में दिया कि 3T लिया है, फॉर एग्जांपल अगर मास को 3T नहीं, टेंशन दिया है। वो क्यों देंगे? हाँ, वो टी हमें लेना है, वो देंगे नहीं, हमें उसे कंसिडर करना है, वो क्यों देंगे? वो तो टाइम पीरियड पूछेंगे ना। अगर हाँ सर, पूछ भी दिलाया तो 3T/2, 3T/2 कर देना इधर, उसका हाफ कर देना दोनों जगह पे। ओके सर। तो ये एक स्प्रिंग है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, और यहाँ से और एक स्प्रिंग ऐड कर देते हैं ये वाली। नीचे ब्लॉक है, सो दिस इज के, और इसको 2K ले लेते हैं, वाइट कलर यूज करते हैं, डिस्टिंग्विश होगा अच्छे से। इफ आई राइट दिस 2K, इसको मैं लिखता हूँ के, और ये एम ब्लॉक है। इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करके मुझे बताओ। टेक योर 5 मिनट्स, 5 मिनट ले लो, चलो इस 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 3 मिनट ठीक है।